राजस्थान की राजनीति में आजकल एक आंदोलन, एक नया सुगबगाहट देखी जा रही है, जिसके अंतर्गत जो ओबीसी आरक्षण में जो विसंगतियों की बात उठ रही है उसके प्रति ओबीसी समाज में एक अलग तरीके की एक मुहिम लगातार शुरू हो रही है। इसी मुहिम के अंतर्गत कल सूरतगढ़ में उसके आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक महापड़ाव का आयोजन किया गया है और उस महापड़ाव की तैयारियों हेतु संगरिया में आज एस के स्वामी केशवानंद महाविद्यालय के प्रांगण के आगे यहाँ नौजवान लोग इकट्ठे हुए हैं। जानते हैं क्या मुद्दा है, किस तरीके की बातें हैं और आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। करण साहब जी, हाँ नमस्कार जी। जैसा विधिवत है 2018 के अंदर ओबीसी के अंदर एक रोस्टेड कानून के तहत और नियम संशोधित किया गया था, जिसके अंतर्गत देखते हुए पूर्व में जो भर्तियां हुई है इसमें ओबीसी समाज के जो छात्र हैं उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ओबीसी के जो समाज के छात्र हैं उसमें वह भाग नहीं ले पा रहे, नौकरियों से दूर हो रहे हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान के ओबीसी नेता, जन जन के नेता हरीश चौधरी साहब कल सूरतगढ़ के अंदर एक महापड़ाव उपखंड कार्यालय पर रखा गया है, जिसके अंदर संगरिया, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के छात्र जिनको जागरूक करने के लिए, जिनके हितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए एकत्रित होंगे हम, और जिसमें ओबीसी के अंदर सरकार के अंदर भी सरकार को भी सूचित किया जाएगा, जो भी संगतियां हैं उनको दूर किए जाए और ओबीसी छात्रों की आवाज़ को रखा जाएगा सूरतगढ़ मुख्यालय। आपने बताया कि राजस्थान सरकार के दिग्गज कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री रहे पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी भी आएंगे, इसके अलावा और कौन मुख्य लोग शामिल होंगे, कितने लोगों की आने की संभावना है? मुख्य लोग विनोद जी, सभी मुख्य लोग जो ओबीसी के हितों की आवाज़ बने, जो ओबीसी के हितों के लिए लड़ेंगे, जो संघर्ष करेंगे, सभी छात्र नेता और आसपास के मौजूदा हनुमान जी मिल हैं, राजेंद्र जी हैं, अनेकों कार्यकर्ता सैकड़ों नाम ऐसे हैं जो सभी वहां मौजूद होकर ओबीसी के हितों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है केंद्रीय पर्यवेक्षक में या राज्य में पहले ही नौकरियों की एक कमी है, युवा वर्ग इस बात से आक्रोशित है और उस पे ये जो आरक्षण की जो विसंगति की मार जो युवाओं पर पड़ रही है उसके बारे में ओबीसी समाज से जुड़े युवाओं का क्या सोचना है? उसमें यही सोचना है, ओबीसी के जो आरक्षण प्रक्रिया है, जो आरक्षण प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए और आधी आबादी पूरे प्रदेश की ओबीसी से आती है, उनके हितों की, और लोकतांत्रिक राज्य है तो हमें पूर्ण विश्वास है इस लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारे हितों की आवाज़ को सुना जाएगा और उसके अनुरूप उसमें हमें भी प्राथमिकता देकर उसमें सुधार किया जाएगा। आपको क्या लगता है ये विसंगतियाँ क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है और आगे आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा? पूर्व की सरकार ने किस मंशा से ये क्या किया है इसका तो अभी उसी सरकार के चुनिंदा साथियों से पूछना होगा, उसी सरकार के नेताओं से पूछना होगा भी किस मंशा से पूरे प्रदेश की जो आधी आबादी है उसको लोकतांत्रिक राज्य में अधूरा रखा जा रहा है, और आगे की आंदोलन की जो रूपरेखा है वो सभी ओबीसी के जो भी प्रमुख लोग हैं, छात्र हितों की आवाज़ उठाने वाले हैं, महापड़ाव के जरिए उपखंड कार्यालय पे कल इसकी एक कमेटी बनाई जाएगी और द्वारा इसको कैसे प्रारूप कर उनके हितों को सक्रिय रूप दिया जाए उसकी बात की जाएगी। माध्यम से संगरिया की आवाज़ के माध्यम से सभी युवा छात्रों को, युवा नेताओं को, ओबीसी के समस्त समाज के लोग, इसमें केवल मात्र एक समाज की बात नहीं है, ओबीसी से जुड़े अनेकों समाज इसके अंदर आते हैं, उन सब से भी निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस महापड़ाव को अपनी जाके बात रखें और इसको सक्रिय बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। ये जो ओबीसी के बारे में जो महापड़ाव होने वाला है उसके लिए यहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं, युवा लोगों से एक जनसंपर्क की बात हो रही है
और युवा इस बात से काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं कि जो नौकरियों की पहले कमी थी और अब नौकरियों में ये आरक्षण में विसंगति के कारण ओबीसी वर्ग का जो युवा वंचित रह रहा है वो वंचित नहीं रहना चाहिए और इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़े वो आंदोलन के लिए तैयार है।